हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, सुबह का बज गया 6:30 और फ्रेंड मैं उठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पे। और फ्रेंड इधर देख सकते हैं मेरी चाय रखी हुई है, जो कि फ्रेंड मैंने ढक के रखी हुई कि ठंडी ना हो। और फ्रेंड मुझे निकालने हैं कुछ डॉक्यूमेंट, जो कि फ्रेंड आज मैं जा रही हूँ हर्षु को एडमिशन कराने के लिए। तो फ्रेंड आज इसका टेस्ट भी होगा और इसका एडमिशन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, पहले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उनको सबको एक जगह रखते हैं। और कार्तिक के स्कूल में भी आज है प्रोग्राम, जो कि 12 बजे से स्टार्ट होगा। और हर्षू के एडमिशन के लिए मुझे 9 बजे पहुँचना है। तो फ्रेंड देखते हैं फ्री हो पाते कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से निकलने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, अभी हर्षू कार्तिक सो ही रहे हैं। और फ्रेंड किचन का काम, घर की साफ़ सफाई, सारे घर के काम पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड चलते हैं फटाफट, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, उसको एक फाइल बना लेते हैं और उसके बाद खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड खाना भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि हर सो फ्रेंड पहुंच चुके हैं हम लोग स्कूल में। देख सकते हैं सारे पेरेंट्स आए हुए हैं और फ्रेंड पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, 150-200 के लगभग हैं। और फ्रेंड बच्चे जो है आधे से ज़्यादा ही एंट्री हो गई है बच्चों के अंदर, बच्चे सारे ही चले गए, कुछ बच्चे हैं जो बाहर खड़े हुए हैं और बाकी के सारे बच्चे अंदर जा चुके हैं। जो अभी अभी आ रहे हैं वो बच्चे सिर्फ बाहर खड़े हुए हैं, बच्चों के टेस्ट लेने के लिए बच्चों को अंदर ले लिया गया है। और फ्रेंड देख सकते हैं दूर दूर से पेरेंट्स आए हुए हैं। फ्रेंड स्कूल तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। तो फ्रेंड हर्षू भी अंदर चला गया है और इसके साथ की एक फ्रेंड बनी है, न्यू फ्रेंड, वो भी अंदर चली गई है। तो जो पेरेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके तुरंत अंदर कर रहे हैं। और फ्रेंड गेट बंद हो रहा है, इस वजह से मैं हर्षू की वीडियो शूट नहीं कर पाई और ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। तो फ्रेंड अब हर्षू आने वाला है, देख सकते हैं हर्षू आ गया है। ये हर्षू हमारा खड़ा है गेट पे। तो फ्रेंड पता नहीं टेस्ट कैसा गया, हर्षू भी हमारा गेट पे आ गया। तो चलते हैं फ्रेंड, अब हर्षू को ले लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे पार्क में चल के फ्री होके। तो आ गया हर्षू। फ्रेंड्स हर्षू का हो गया टेस्ट और हर्षू टेस्ट देखिए आ गया है और हमें फ़ोन करके बताएंगे कि हर्षू टेस्ट में पास हुआ कि नहीं। और यहाँ पार्क है, देख सकते हैं आप लोग, ये पार्क है पूरा और हम लोग बैठे हैं इसके अंदर नीचे। तो फ्रेंड हर्षू आज गिर गया है पार्क में, ये कपड़े देख सकते हैं ना, ये अंदर की टी शर्ट इसने पहन रखी है और जो है पैंट देख सकते हैं पूरी पैंट गंदी हो गई है, जूते भी पूरे गीले हो गए थे। और यहाँ माली भैया ने जो है ना पानी दे रखा है, तो इस वजह से उधर मट्टी है पूरी झूलों के पास में, तो वहाँ ना पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। और हम हर्षू को मना कर रहे थे कि हर्षू उधर मत जाओ मत जाओ, लेकिन हर्षू नहीं माना ना, नहीं माने ना। तो हर्षू गिर गया वहाँ पे और पूरे कपड़े जो है कीचड़ से इसके सन गए। फिर हमने सारे कपड़े उतारे, जूते भी उतारे उसके, देख सकते हैं पैंट भी उतारी, और अंदर इसने पैंट ही नहीं पहनी थी, तो इस वजह से खाली इस टी शर्ट में था और बैठा हुआ था नंगा पार्क में। तो जो कोई यार था वही पूछ रहा था इसके कपड़े कहाँ गए। और फिर हमने पाइप से पानी माली भैया दे रहे थे, तो हमने इसके कपड़े धोए धोए क्या ऐसे ही पानी से निकाल दिए, और उसके बाद थोड़ी देर कुर्सी पर डाल दिया और कपड़े गए सूख, तब जाके इसने पहने हैं। देख सकते हैं पैंट सूख गई इसकी और हाफ टी शर्ट जो है इसने पहनी रखी थी, घर से ही मैं पहना के लेके आई थी, तो बात ही नहीं सुनता इस वजह से नंगा बैठा रहा आज पार्क में। तो फ्रेंड इस वजह से मैं रुकना भी पड़ गया, नहीं तो हम अब तक तो घर पहुंच गए होते। अब टेस्ट देखो इसका कैसा होता है, बता तो रहा है कि मैं सब करके आया हूं। और बाकी जो है चलते हैं घर पे, कार्तिक अकेला होगा। और हर्षू की मौसी आई थी, हर्षू को एक बिस्किट दे के गई है ना, हम खाना खा के भी नहीं आए थे ना, सुबह चाय पी के फटाफट चले आए थे। तो फ्रेंड पर्सनल ऑटो लेना पड़ा था मुझे वहाँ से, क्योंकि फ्रेंड लेट हो गई थी, मेरे हस्बैंड बोले थे सारे बच्चों की इंटरव्यू हो गई बस तू ही रह गई। तो फटाफट मैं आई और टाइम पे 9:30 बजे की एंट्री थी, 9:30 बजे से पहले पहले मैंने एंट्री कर ली। और उसके बाद हर्षू चला गया अंदर टेस्ट देने के लिए। तो टेस्ट ये कैसा करके आया हुआ है वो मैम हमें फ़ोन करके बताएंगी कि इसका एडमिशन हो सकता है कि नहीं, टेस्ट में पास हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड अब चलते इसी कपड़ों में जाएगा हर्षू हमारे साथ में ना। हर्षू मुँह में हाथ क्यों डाल रहे हो तुम? हाँ। तो फ्रेंड चलते घर पर चल के मिलते हैं और इसको नहलाएंगे और इसके कपड़े वगैरह सारे धोएंगे। कह रहे जूतों में मट्टी चली गई, तो फ्रेंड बताओ कहना नहीं मानेगा तो ऐसे होगा। मैं आपको एक बार पार्क का हाल दिखाती हूँ कि क्या है। फ्रेंड देख सकते हैं पूरे में ना पार्क में गीला गीला है पूरे में ना, ये घास दिख रही है इस वजह से गीला गीला नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देख सकते हैं पूरा पार्क, पूरी मट्टी जो है ना गीली है, ये पूरी गीली है। और इसी में ये
इधर के साइड स्लिप हो गया, ये देख सकते पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, देख सकते पूरे में पानी दे रखा है ना, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि गिरा कहाँ पे अर्शु। अर्शु इधर स्लिप हो गया था, इधर स्लिप हुआ है पूरे किले में, मट्टी में ना, ये पूरा किला पड़ा है ना, यहाँ स्लिप हुआ है। तो फ्रेंड चलते हैं अब घर की ओर चलते हैं, और बस भी लेनी पड़ेगी, पता नहीं घर कब पहुँचेंगे, 12 से तो शायद ऊपर टाइम हो रहा होगा, और चलते हैं बस बस लेते हैं, आपको घर पे चल के मिलेंगे। तब तक आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और मैं गेट क्रॉस कर रही थी। चलते घर पे चल के मिलेंगे, और मम्मी का फोन आ रहा है, वो रिसीव करते हैं। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। सो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, और देख सकते हैं कपड़े अपने चेंज करके मुंह धो के बिल्कुल फ्री होकर बैठी हूँ। कार्तिक बालकनी में गया हुआ है नहाने के लिए, साथ नहा भी चुका है वो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में थी सुबह, तो उसने नहाया नहीं था, ना मैंने पानी गर्म किया था, बस अपने लिए मैंने गर्म किया था, नहा के निकल गई थी। तो अर्शु देख सकते हैं दोबारा नहा चुकी है ना, अर्शु गाइस को बता दो दो बार नहाया अर्शु ने ना, क्यों सुबह नहीं आया था तब, और एक बार पार्क में गिर गया था इसलिए नहाया ना। तो गाइस ये पार्क में गिर गया था ना, मट्टी से पूरा लथपथ था, इसके कपड़े वहीं धोए और एक शर्ट अंदर की पहन रखी थी, तो फ्रेंड दूसरी मतलब शर्ट में जो बैग में धर के लेके आई, इसको पैंट सुखा के तब पहना के तब मैं घर आई हूँ। तो फ्रेंड चलते हैं, भूख बहुत जोर से लगी और कुछ खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड खाना पीना भी हमारा दोपहर का हो चुका है, और फ्रेंड अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी बालकनी में, और बच्चे यहाँ देख सकते हैं आप लोग खेल रहे हैं बच्चे। हाँ क्या है ये? वाटर बलून। वाटर बलून है। तो फ्रेंड वो ये कार्तिक के जो पानी में डाल के फूलते हैं, गांव में भी मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये कार्तिक ने बहुत संभाल के इसको रखे हुए, बहुत पहले मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, कार्तिक ने बहुत संभाल के रख रखा है इनको, है ना। तो फ्रेंड चलते दोपहर का टाइम हो गया, और फ्रेंड लगभग 2 बजने वाला होगा, तो फ्रेंड चलते हैं, अब वीडियो भी एडिट करनी है, और उसके बाद में फ्रेंड थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और शाम को फिर उठेंगे। तो फ्रेंड अर्शु जाएगा ट्यूशन, और फ्रेंड मैं अपने घर के खाने की तैयारी में लग जाऊंगी। तो फ्रेंड चलते इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो फ्रेंड चलते इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय गाइज़।